यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाते हैं अपने उत्तराखंड की दिखाते हैं मंदिर वगैरह और यहाँ के लोग संस्कृति अपनी सही। तो अभी आपको नीचे से देखा अच्छे आप बाइक में अभी लोग ना गाड़ी में वो खड़ी गाड़ी कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए गाइस शेफर्ड लोग हैं इनके ये भेड़ है सारे अभी और भी आ रहे हैं पीछे से देखिए सामने बादल चल रहा है पहाड़ के ऊपर ये भैया लोग बैठे हैं ये देखिए गार्ड डॉग भी बैठे हैं यहाँ इधर देख भैया बुलाना ही नहीं है आपको बुलाना ही नहीं अपने पास बुलाना है आएगा आएगा आ जाइए इधर डब्बू इधर इधर ये देखिए गाइस बैठ बेटा इसके बहुत सुंदर बैठ बैठ वो ऊंचा का भूख लग गई क्या देखिए गाइस कितना प्यारा डॉग है ये और कितना भालू है तो ये बिल्कुल मोटू मोटा सा बिट्टू वो भी आ ये देखिए गाइस पहाड़ की असली सुंदरता इसके गले में ये भैया ने ये लगा रखा है इसका पट्टा कांटे हैं इसमें जब भी शेर वगैरह कभी झपट्टा मारता है तो गर्दन पे ही मारता है कभी भी वो कभी भी तो इससे ये है अपना जानवर से तो डॉग की सेफ्टी हो जाती है बार-बार नहीं बेटा कभी लड़ाई वगैरह करी है भैया इसने शेर वेर से कभी हुआ ऐसा कभी बहुत ही खतरनाक इसने फिर क्या 3 बार अच्छा फिर क्या 3 बार अच्छा अच्छा आओ आ जाओ आओ इधर आ ले आओ आया ऐसा मत कर रे ऐसा मत कर घुरा रहा है कहाँ बंद कर ना ना घुरा नहीं जमीन साला गाइस ये देखिए भेड़े इधर और ये इनकी गार्ड के लिए और छोड़ जो कि टांग फैलाने से ये देखिए सीधे बंद कर रहा भी तुम इसका क्या होया ओरिजिनल उत्तराखंड की ब्रीड है ये हैं बॉबी और वो देखिए दो और हैं अभी दोनों आराम कर रहे हैं देख रहे हैं लेकिन दोनों इधर ये देखिए गाइस पूरी टीम मिल चुकी है शेफर्ड्स की सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अभी आधी भेड़ अपनी इधर है और आधी और अभी आ रही है इधर से पीछे एक भेड़ आ रहा है सरकारी भेड़ आने वाले हैं पीछे से सरकारी अच्छा पशुपालन विभाग की पशुपालन विभाग बहुत बढ़िया बहुत सुंदर लग रहे हो आप लोग सब बैठे हुए वैसे सच में ये देखिए गाइस उत्तराखंड शेफर्ड वूल मतलब ये अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं यहाँ पर जो अपने पशुपालन विभाग से होते हैं अरे ये पूरी सेना आ रही है अरे भाई पूरी सेना आ रही है ये देखो गाइस 350 गाइस देखिए बातें करते करते ही चारों तरफ फॉग हो गया आपने सब सारे पहाड़ ढक गए हैं पहाड़ ढक गए
और ये आ गई टीम एक और लग गया पहाड़ में, सब गवर्नमेंट भीड़ है। और ये ऊपर वाला जो जत्था है ये प्राइवेट का है। ए वही मैं ली गाड़ी में एक एक बंदे की जगह, क्योंकि सामान भर रहा है पूरा एक, लेकिन एक बंदा बैठ जाएगा। हाँ कोई एक चलने हमारे साथ, वो वहाँ से ऊपर आ जाए। देखो भाई दिन बंधा पड़ा है वाकई में, अभी दो तीन लोग से इतने सारे लोग हुए हैं। और ये देखिए अपना पूरा सिस्टम, अपनी भेड़े सारी फुल मजा आ रहा है। वो पिल्लू कितने आराम से नीचे नहीं जा रहा, ये भी अपना फुल एंजॉय ले रहा है साथ में। फुल एंजॉय मजा ले रहा है, पूरा मजा ले रहा है। ये कुत्ते को भी ले लो। ये देखिए गाइस नीचे बेसिकली आपको अभी सब पता ही चल गया है, अपनी ये शेफर्ड की टीम मिल चुकी है फिलहाल आज रात के लिए। तो आज रात को इन सभी लोगों के साथ यहाँ रहा जाएगा, मजा लिया जाएगा, शाम का रात का एडवेंचर लिया जाएगा। जैसा कि अभी मिलने के बाद ही मुझे तो एक नंबर एडवेंचर आ गया, आपने सुना ही होगा। बहुत बढ़िया लोग हैं, सबसे बात बात हो गई है बढ़िया, एक नंबर। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, इंसानियत होती है इन लोगों में, जिसे सच में कहते हैं। अपनापन बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कोई बाहर के लोग हैं, ऐसा लग रहा है अपने कॉलोनी के, अपने साथ वाले, अपने जानकार ऐसे ही लोग हैं। तो देखिए चल रही है भेड़े हम नीचे को, हम भी आप भाई लोगों के साथ सबके साथ नीचे चलते हैं। थोड़ा सा हमें अपनी गाड़ी यहाँ से पीछे लेके आनी पड़ेगी। ये लोग यहाँ से जंगल जंगल जाएंगे 1 किलोमीटर आगे, तो 1 किलोमीटर अपना सामान सारा ले आना, ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अपना थोड़ा बैग लेंगे यहाँ से, गाड़ी हमें 2 किलोमीटर ले आनी पड़ेगी पीछे। 2 किलोमीटर पीछे से एक रास्ता जा रहा है ऊपर ही, जो आगे जाके यहीं मिलेगा जहाँ पे ये लोग रात में नाइट स्टे करेंगे। तो भाई नाइट स्टे आज इन्हीं सब लोगों के साथ होगा, बहुत फन होगा। दिस इज द फन। साढ़े 3 बज रहे हैं इस समय, दोपहर चल रही है, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि दोपहर है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है शाम के 6-7 बज रहे हैं और मौसम ठंडा हो रखा है आज भी। ये देखिए, और ये देखिए ये गार्ड डॉग भी अपना गार्डू गार्डू, और ये मोटू वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये बेचारे के साथ पैर में दिक्कत हो रही है कहीं, देखिए। लेकिन आप तो गाइस चल रही है अपना भी, ये वाली भेड़े चली जाएंगे अभी, नहीं टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये बाबूजी हमारे साथ जाएंगे कैंप साइट तक, आज इन्हीं के डेरे पे डेरा डलेगा भाई लोग, रात में करेंगे एंजॉय फुल। चलें बाबूजी, आ जाइए। तो बाबूजी हमारे साथ जाएंगे क्योंकि बाबूजी को कैंप साइट पता है कहाँ है। तो ये देखिए आप नजारे सामने, आज मेरे भेड़ ही भेड़, एक नहीं बहुत सारी भेड़। अरे गाइस बारिश पड़ चुकी है बहुत तेज अचानक, ये देखिए। और भाऊजी हमारे साथ आ गए हैं, भाऊजी के साथ अब हम चलेंगे आज इनके घर, इनके डेरे पे। यहाँ से गाइस सोच रहे हैं रात के लिए अपने, जरा भाऊजी ने इनवाइट कर दिया रात के डिनर पे, कि यहाँ तो हमारा ही बना हुआ खाया जाता है। तो हमने भी बिल्कुल हुकुम सराखों पर गया, लेकिन
थोड़ा सा दूध वगैरह ले लेते हैं बाहर से। बारिश हल्की फुल्की पड़ी रही है। ये इधर विनायक होटल पड़ता है, पहले भी आए हूँ यहाँ पर। एक नंबर व्यू दिखता है गाइस यहाँ से, देखिए ऑल टाइम फेवरेट व्यू है मेरा, आता रहता हूँ मैं इस जगह पर, बहुत ही सुंदर जगह है। तो दूध वगैरह लेते हैं यहाँ से और ब्रेड वगैरह देखते हैं, रात के लिए चाय वगैरह बनाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऊपर तो बढ़िया रहेगा। चलिए तो भाई ये कुछ रात के लिए अपना सामान ले लिया है, 3 दूध के पैकेट ले लिए हैं अमूल, और 5 सेट ये अपने बंद के ले लिए हैं, और बाकी ये अपने लंबे वाले बंद ले लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई ये है अपनी आज की लोकेशन, कैंपिंग लोकेशन, ये देखिए यही तो बाबूजी सामने लाल के ऊपर जो है प्याल पूरा, ये देखिए गाइस ये है आज की अपनी कोई फाइनल कैंपिंग लोकेशन। बहुत सुंदर, मजा आ जाएगा यार बाबूजी आज तो आपके साथ सही में। कैरी ऑन करिए गाइस, बस कुछ ही देर जा रही है और हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे होंगे पलक झपकते ही। आज भी गाइस हमें जाना है वहां, देखिए कितना बढ़िया ग्रासलैंड है ऊपर। मस्त सफर चल रहा है। कूल ऑन, चलना है। देखिए उमर बाबू जी आपकी क्या एज होगी, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 60 हो रही है। 60? हाँ 60 साल गए बाबू जी, लेकिन एक सांस नहीं फूल ली इनकी, सुन लो चाहे लोगो। ऑन टॉप वो सामने अपने बाबा का मंदिर, भोले बाबा नहीं छोड़ेंगे ना हम, भोले बाबा को छोड़ेंगे। कितना स्वर्ग से सुंदर धाम लग रहा बाबा का। ये देखिए ये नीचे चल रही है और इधर ये पहाड़। और आज इतनी बेस्ट कैंप साइट ढूंढी है मैंने, हिडन कैंप साइट है ये, और ज़्यादा नहीं आपको 500-600 मीटर बस थोड़ा सा ट्रैक करना है ऊपर को, और पर्टिकुलर आप एक टॉप पे पहुँच जाएंगे। टॉप का नाम मेरे ध्यान से उतर गया थोड़ा, मैं आपको सुबह बताता हूँ कौन सा टॉप है ये। तो ये अपने बागेश्वर से खाती जाते हुए
ऐसे ही होगा मतलब 35 या 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये, खाती से 10-1 किलोमीटर पहले, खाती शायद 50 है तो मतलब 40 किलोमीटर पे बागेश्वर से चलने के बाद ये स्पॉट पड़ेगा आपको, एक नंबर लोकेशन। तो अभी आग वगैरह जला रखी है उन्होंने भी और खाने वाने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं वो, गोप्रो अपना डिस्चार्ज हो गया था इस वजह से मैं थोड़े बहुत ही शॉट नहीं बना पाया शाम के। चलते हैं और गाइस देखते हैं क्या चल रहा है, मैं तो चूल्हा जल रहा था जब मैं आया था, तो अब देखते हैं क्या चल रहा है, चलते हैं। बारिश में ना यार थोड़ा दिक्कत होती है, टेंट छोड़ने का मन नहीं करता है। अब देखिए सारा सामान बिल्कुल सही रखा है, पानी वानी गलती से आ जाए, वैसे तो वाटरप्रूफ है सब, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चूल्हे पे हाँ साज बन रही है मतलब बहुत सुंदर यार, ये अपनी भैया लोग बैठे हैं देखिए, चाय का प्रोग्राम चल रहा है यार। हाँ हाँ गरम गरम चाय और एक नंबर यहाँ माहौल हो रहा है, बारिश भी लगी है, बारिश लगी है, बिजली लगी है, बादल गरज रहे हैं, ये लग रहा है आज पूरी रात ही होगी बारिश पर, क्या पता हाँ जम के हो गया, आज जम के होगी ऐसा ही लग रहा है, मौसम बता रहा है, मौसम बता रहा है, ये रुकेगी नहीं सुबह तक बिल्कुल, हवा से तो आनंद आ रहा होगा ना, तो बहुत एक नंबर परमानंद। ठंडा नहीं लग रहा है? नहीं ठंडा नहीं लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है, वो तो रहा है वैसे, हाँ महसूस हो रहा है। अब यहाँ से कहाँ जाने का हो रहा है फिर? अब यहाँ से भैया सोच रहे हैं कल ऐसा करेंगे पूरा एक महीने का ट्रिप बनाएंगे, जो आप अंदर जाते हो ना पिंडारी वगैरह, अभी उस टाइम पे चलेंगे किसी लंबे, मैं भी टाइम निकाल के आऊंगा पिंडारी में, तो अब तो जून जुलाई में आना, जून जुलाई में, जून में जब जाएंगे फोन नंबर देके जाओ, उस समय आना साथ चलेंगे, फोन नंबर लेके जाऊंगा जरूर, उस समय आना साथ चलेंगे यहाँ से, जून में जाते हैं, ठंडी जून में होता है वहाँ जाने का ना, हाँ तो उस टाइम ही जून जुलाई में अगले साल देखते हैं। खाना गरम अच्छा लगता है या जरा ठंडा? जैसा आपको अच्छा लगे, एक तो चावल बना रहे हैं बहुत बढ़िया, मौसम की रोटी की तैयारी हो रही थी, अरे मौसम के हिसाब से नहीं है, हिमालय की हवा चल रही है, हिमालय की हवा चल रही है, मुजवा टॉप में ये देखिए गाइस, ये पूरा बैग पैक रहते हैं, बिस्तर हुआ हमारा, पूरा बिस्तर हुआ आपका है, पूरा बिस्तर, राशन पानी पूरा हमारा, ये स्टोर है, स्टोर है ये पूरा अपना, देखिए गोदाम, गोदाम है जी पूरा, सब आटा चावल सब तेल वेल सब पूरा सिस्टम है, देखिए आगे तक बहुत बहुत सुंदर है, जंगल का मंगल ठहरा, बाबूजी खुद देखिए, बाबूजी अपने जंगल में मंगल ठहरा, तो ये कुछ गाइस लाइफ चलती है पहाड़ में, बहुत डेली के नए नए टास्क, नए नए एडवेंचर, डेली रूटीन इतना बेस्ट, बहुत बढ़िया लगा देखकर, ये लाइफ भी बेस्ट है, आगे भी कभी ज्वाइन करेंगे, और मिलते हैं बस, अब थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद अपने टेंट वगैरह का भी देखते हैं क्या सीन है, बारिश वगैरह तो रुक गई है, हवा हवा भी नहीं चल रही, तो चलिए खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद निकलते हैं, फिर टेंट में सोते हैं, सुबह करते हैं सबसे बात, देखिए पानी भी अपना और अपनी ये दाल चावल, जो कि आज रात के लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, ये आई रोटी डाल रहे थे हवाजे, यहाँ हवाजे उड़ गए थे, तो रोटी डाल रहे थे तब बनाए था, ओरिजिनल पहाड़ी दाल भात, पहाड़ की सुगंध है इसमें, बहुत ज्यादा टेस्टी है बहुत, ये देखिए गाइस पहाड़ की एक जड़ी बूटी है पिंडारी की, अपने गोकुल कहते हैं इसे, गोकुल, गोकुल, गोकुल बेसिकली नेचुरल धूप आप मान सकते हैं, धूपबत्ती नेचुरल, इसकी घी वगैरह डाल के इसकी धुनी लगाती हैं भगवान जी के आगे, तो ये देखिए नेचुरल गोकुल की कोई ये पेड़ है कि या पौधा है, पौधा पौधा है, गोकुल का पौधा, पौधा है, और खुशबू ही खुशबू है इसमें, खुशबू है सारी, खुशबू धूप बनती है, बहुत सुंदर खुशबू है, खुशबू अच्छी वाली, भैया ने गिफ्ट दी है हमें गोकुल, गोकुल आप लाखों रुपए देके भी नीचे ऐसे ढूंढोगे नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, लेकिन भैया ने ये फ्री में दिए बिल्कुल, मतलब तो गाइस चलते हैं जरा बाहर, देखिए आग जल रही है, बारिश वगैरह रुक चुकी है बिल्कुल, बिल्कुल शांत है मौसम, 7 देर का बहुत,
क्या नाम है स्टॉप का? मुजुआ टॉप। मुजुआ, मुजुआ टॉप, मुजुआ टॉप। बहुत बहुत सुंदर टॉप है ये। टॉप भाई आप नहीं पिलाएगा। आपने जो वेलकम किया सच में कहीं नहीं मिल सकता। वो बहुत दिल खुश हो गया। बहुत मजा आया आज पूरे दिन। जब से आप लोग मिले तब से अलग ही एक खुशी चल रही है। हाँ सुबह करते हैं बाकी मुलाकात गुरु जी है। ठीक है जी, राम राम। चलिए गाइस सोते हैं अब। आज पूरा दिन बढ़िया बीता, मस्त इन लोगों के साथ एंजॉय किया। आज पहली बार एक्सपीरियंस था। कई लोगों की वीडियो देखी थी मैंने, शेफर्ड्स के साथ रहते हैं वो, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो भेड़ वगैरह लेके चलते हैं। लेकिन आज जो एक्सपीरियंस करा बहुत ज़्यादा ग्रेट था। सुबह बहुत अच्छे शॉट्स आएंगे। बस ये दुआ कीजिए मौसम वगैरह खुला रहे, धूप वगैरह निकले। चलिए गाइस सोते हैं, फिर होती है मुलाकात सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गाइस ये था वो मंदिर राज भोले बाबा का, जहाँ महाराज विराजमान है। चलिए हम भी चलते हैं अंदर। ये देखिए गार्ड्स बैठे हैं, इनकी ड्यूटी पूरी हो गई रात की। नमस्कार जी, नमस्कार भैया, नमस्कार बाबू जी। बहुत बढ़िया चाय बन रही है। बिल्कुल, एक तो ये प्रसाद लाया था मैं आप सबके लिए। धन्यवाद। ये हाट कालिका माता का प्रसाद है। तो भैया आज का क्या प्रोग्राम है फिर? आप लोगों का अब बस भैया आप निकलते हैं। निकलेंगे यहाँ से? निकलेंगे, कहाँ, यहाँ से निकल लेते हैं। अच्छा। अपने गांव की ओर, गांव की ओर। हाँ, फिर साथ वाले अपने अपने घर जाएंगे। अच्छा। फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। अच्छा। तो मुसीबत हो जाएगी मेरे को वहाँ नहीं जाने में। हाँ। तो इसलिए आज निकल लेते हैं, साथ में ही जाएंगे फिर। चलने की तैयारी हो रही बाबू जी? हाँ, तैयारी हो रही है। फुल बैग पैक हो गया है? हाँ। बहुत बढ़िया। तो भैया इस पे क्या लिखा गया था? वेद पुराण लिखे जाते थे। वेद पुराण वगैरह इस पे ही ना? हाँ, पुराने। भोजपत्र कहते हैं इसे। भोजपत्र है, देखिए गाइस कितनी औसम चीज है। ये पहाड़ में मिलती है इधर ऊपर अपने ग्लेशियर पे। और क्या भैया दूसरा दिखाना हो? बेलपत्र। ये बेलपत्र है? भोले बाबा पे जो बेलपत्र चढ़ता है, हैं? ये देखिए गाइस बेलपत्र का पेड़ है। इसका क्या महत्व कुछ पता भैया? इसका महत्व है वही बस देवी देवताओं की धूप। धूप, पहाड़ की बेलपत्री है ये। पूजा पाठ में काम आने वाली गाइस ये दोनों चीजें हैं। देखिए तो ये इधर कुछ बाबूजी लोग चलने की तैयारी में हैं। गुरु जी टाइट हो गया पूरा कोटा है? टाइट हो गया वही है। बहुत सुंदर। ये देखिए गाइस पर बंदा 20-25 किलो लेके चलता है पर बंदा। बिल्कुल, अब तो घर जा रहे हैं, खुशी होगी है। बस
सही बात है बाबूजी। वाह ये देखिए गाइस, बिल्कुल अभी अभी एक दिन एक मिनट हुआ इस बच्चे को आए हुए धरती पे। अभी एक मिनट पहले ही पैदा हुआ है पहाड़ पे, देखिए इस हिमालय की गोद में। देखिए पास से देखिए इतना प्यारा बच्चा आया है, कहाँ पर आए अभी ठंड के मारे, ठंडा हो रहा है ना। एक मिनट पहले बस आया है धरती पे। और ये है देखो इसकी मम्मी, लो भैया अपने पास। आई हम की बात हम की यार बाजी दे बाजी है का बात आ रही है। कौन ना थे साल में ये बाला 8000 रुपए से बुली है बुना का मूला बना है। चलिए गाइस इसी के साथ खत्म हुई हमारी आज की यात्रा। सबके साथ बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छे लोग थे सबने, बिल्कुल प्यार दिया, पूरा अभिनंदन किया। रात का खाना सुबह का अपना नाश्ता सब भैया ने बिल्कुल अपने साथ ही कराया सब लोगों ने। और ऐसा लग ही नहीं रहा था साथ में कि हम कहीं और बाहर आए हुए, ऐसा लग रहा था अपने परिवार में बैठे रात से। तो बहुत आपके लिए धन्यवाद, सबके लिए हाथ जोड़कर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। धन्यवाद, बारंबार मिलते रहे, बिल्कुल बारंबार मिलेंगे भैया। चलिए आप बढ़िए, आप अपना बढ़ाइए मैडम। ठीक है भाजी, राम राम। ये देखिए गाइस शेफर्ड की टीम भी अपनी चल चुकी है। देखिए गाइस फाइनली सब जा रहे हैं। लेकिन मजा आया आपके साथ, दिल खुश हो गया, आना भी चाहिए, आनंद आ गया जी सर। तो गाइस फाइनली सब जा चुके हैं यहाँ से, बस यहाँ ये तीन चार लोग जो नीचे शीप हैं, वो जो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट है वो वाले बस लोग रह गए हैं, दो चार बाकी पूरी टीम इनकी शेफर्ड्स की जा चुकी है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस गाइस, ऑसम डे। ये लाइफ है ये लोग जी रहे हैं, जो पूरी खुली हवा, खुला वातावरण, खुला माहौल, खुला पानी, बिल्कुल इतना सुंदर। ये नीचे देखिए आप, मेरे धारा आ रही है, इतना सुंदर पवित्र जल है इसका, बिल्कुल शीतल ठंडा। तो ये लाइफ है गाइस, मेरा भी रंग मुझे लग रहा है एक आध दिन से गोरा हुआ है, तो बढ़िया है ये लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा इंजॉय आता है। तो यहीं तक था आज का ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, हमारी चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें सब लोगों के साथ, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बताना कमेंट में कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी ये फैमिली शेफर्ड, और कैसा लगा आज का हमारा ये कैंप साइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.